गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ते हैं जूनियर साइंटिस्ट जो कि क्लास थर्ड के लिए है। ठीक है, जूनियर साइंटिस्ट क्लास थर्ड के लिए। आगे हम लोग जानते हैं इसके में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पढ़ेंगे चैप्टर टू पढ़ेंगे जो कि क्या है, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, यानी कि जो जानवर है वो कैसे खाते हैं उनके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें क्या कह रहा है, हम लोगों को इसमें पढ़ना है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, टीथ ऑफ एनिमल्स, स्पेशल ईटिंग हैबिट्स, फूड चेन, केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ये पांचों टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आज मैं दो या तीन टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके अलावा फिर जो बचेंगे टॉपिक वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वी सी मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स इन फॉरेस्ट और जू, यानी कि हम लोग बहुत सारे प्रकार के क्या देखते हैं, जानवरों को देखते हैं। कहाँ पे, तो जंगलों में या फिर जू में देखते हैं, यानी कि चिड़ियाघरों में देखते हैं। वी सी फ्रेंच लायन, अ टेम लैम, अ फ्रिस्की रैबिट, अ फास्ट लियोपार्ड एंड अ स्मॉल डेडिकेटेड बटरफ्लाई, यानी कि ये सारे क्या है, जानवर हैं। हम लोग बहुत सारे जानवर को, लायन, टाइगर, बटरफ्लाई, ठीक है, रैबिट, ये सारे चीजों को हम लोग क्या देखते हैं, जू में या फिर फॉरेस्ट में देखते हैं। ओके, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, यानी कि जितने भी जानवर है वो सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। एक है जैसे कि कुत्ता हो गया, वो क्या खाएगा, मांस खाएगा, ठीक है, ये सब चीज खाते हैं। अब क्या हो गया, जिराफ जो हो गया वो क्या खाएगा, प्लांट खाएगा, कुत्ता प्लांट नहीं खाएगा। ठीक है, तो सारे जानवर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं। ओके, विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। Some animals eat plants while some feed on the flesh of other animals. कुछ क्या करते हैं, कुछ प्लांट खाते हैं, लेकिन और बाकी कुछ क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स के फ्लेश खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है, जान लेते हैं थोड़ा कि ये है क्या। इसमें क्या कह रहे हैं, हाउ यू हैव यू एवर वंडर, क्या तुमने आश्चर्य किया है कभी, कि वाट डू बिग प्लांट्स, बिग एनिमल्स लाइक जिराफ, एलिफेंट, राइनोसोरस एंड हिप्पोपोटामस ईट। तुमने क्या आश्चर्य किया है क्या, किस चीज के लिए, कि राइनोसोरस, जिराफ, एलिफेंट, ये सब क्या खाते हैं, या फिर जो स्मॉल एनिमल्स हैं जैसे एंट, अर्थवर्म, स्नेल, बटरफ्लाई, ये सब क्या खाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के बारे में क्या करना है, हम लोगों को जानना है कि ये सब खाते क्या, ये सब कैसे खाते हैं, उनके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, अब हम लोग जान लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोगों का क्या पहला दूसरा चैप्टर जो है वो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल बिग एंड स्मॉल एनिमल्स नीड फूड टू यू, जो भी जानवर है, छोटे हो बड़े हो उनसे मतलब नहीं है, सारे जानवर जो भी हो उन सबको क्या चाहिए, खाना चाहिए जीवित रहने के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, एनिमल्स नीड फूड, अब एनिमल्स को क्यों खाना चाहिए, तो टू ग्रो, बढ़ने के लिए, टू गेट एनर्जी टू डू वर्क, क्या करने के लिए, एनर्जी, शक्ति लाने के लिए, ताकि कोई काम को कर सके, टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और स्वस्थ रहने के लिए और मजबूत रहने के लिए, ताकि क्या कर सके हम लोग, जिंदा, यानी कि जो एनिमल्स है वो जिंदा रह सके। ओके, तो इन चीजों के लिए हम लोगों को क्या करना है, एनिमल्स को जो है फूड जरूरत पड़ती है इन तीन चीजों के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, यानी कि जानवर जो है कैसे खाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, सारे एनिमल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होते हैं, सारे अलग अलग खाना खाते हैं। बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स, तो इनके खाने के अनुसार कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं उनके अनुसार जो एनिमल्स हैं उनको बांटा गया है, किस किस क्षेत्र में, किस किस भाग में बांटा गया है। तो पहला क्या कह रहा है, हर्बीवोरस में बांटा गया, फर्स्ट क्या है, हर्बीवोरस, यानी कि जो प्लांट खाने वाले हैं। ओके, ऑल प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल, यानी कि जितने भी प्लांट खाने वाले जानवर हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं, यानी कि शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी, सिप, काउ, बफेलो, गोट, रैबिट, ये सारे क्या, ये सारे हार्बीवोरस एनिमल्स है, क्या है, हार्बीवोरस एनिमल्स है, यानी कि जितने भी प्लांट खाने वाले जानवर है वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे हार्बीवोरस एनिमल कहलाते हैं या फिर हार्बीवोरस कहलाते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्या कह रहा है, कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या कह रहा है, ऑल फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल या कार्निवोरस। ओके, यानी कि जितने भी जानवर है जो क्या खाते हैं, जो मांस खाते हैं, क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल। क्या कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल। जैसे लायन, टाइगर, लियोपार्ड, वुल्फ, ये सारे क्या, ये सारे कार्निवोरस एनिमल। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फ्लेश खाते हैं। ये क्या खाते हैं, ये फ्लेश खाते हैं। दूसरे जानवरों का क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। ये देख रहे हो, दूसरे जानवरों का मांस, ये ठीक है ना, यानी कि ये दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, थर्ड नंबर जो आता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओमनीवोरस, सॉरी कार्निवोरस और हर्बीवोरस के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं ओमनीवोरस के बारे में। क्या है ओमनीवोरस, इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग ईटर्स। एवरीथिंग ईटर्स यानी कि सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खाने वाला। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल। यानी कि वह जानवर जो क्या करता है, प्लांट भी खाता है, पेड़ पौधे भी खाता है, और क्या खाता है, और फ्लेश खाता है यानी मांस भी खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं एवरीथिंग ईटर्स, यानी सब कुछ खाने वाला। ओके, सब कुछ खाने वाला। इसमें क्या कह रहा है, बियर, क्रो, स्क्वेरल, फॉक्स, रैट, ये सारे क्या है, ये सारे ओमनीवोरस एनिमल, यानी ये सारे जो है प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं। नीचे क्या कह रहा है, ह्यूमन बींग ऑल्सो ईट बोथ प्लांट एनिमल, यानी हम लोग क्या है, हम लोग भी प्लांट खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। अंडे, मुर्गा, मछली, ये सारे क्या है, फ्लेश है। फिर हम लोग साग सब्जी खाते हैं, वो सारे क्या है, प्लांट्स है, ठीक है। तो हम लोग दोनों खाते हैं, इसलिए हम लोग क्या आते हैं, हम लोग ओमनीवोरस में आते हैं। सम प्लांट्स ईट फ्लेश एंड सम प्लांट ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। कुछ सॉरी सम एनिमल्स क्या कह रहे हैं, सम एनिमल्स ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल। ओके, यानी कि कुछ जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं। दे डू नॉट किल, दे डू नॉट हंट एंड किल अदर एनिमल्स। वो क्या करते हैं, वो दूसरे जानवरों को मारते नहीं है, ठीक है ना, मारते नहीं है, वो नहीं मारते हैं। दे ईट ओनली दोज एनिमल्स दैट हैव डाइड नेचुरली। यानी कि कुछ जानवर जो होते हैं वो अदर जानवर को मारते नहीं है, लेकिन जब मर जाता है कोई जानवर तो उनको खाने के लिए ये लोग जानवर पहुंच जाते हैं, ताकि जो मर गए हैं जानवर उनको ये खा सके, उनको ये खा सके और उनका पेट भर सके, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एस्केवेंजर्स, दे आर कॉल्ड एस्केवेंजर्स। यानी एस्केवेंजर्स किसे कहते हैं, वह जानवर जो मरे जानवर को खाते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एस्केवेंजर्स कहते हैं। और क्या करता है ये, तो ये कीप द सराउंडिंग क्लीन, ठीक है, यानी कि हमारे जो चारों तरफ है ना उसको क्लीन कर देता है। जैसे जानवर कोई मर गया हमारे अगल बगल, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे सड़ेगा, मर जाएगा, और कोई आया जानवर और उसको क्या कर गया, खा गया, तो हमारा क्या हो गया, सराउंडिंग क्लीन हो गया, साफ सुथरा हो गया, ठीक है, चारों तरफ साफ सुथरा हो गया। तो ये सब को हम क्या बोलते हैं, एस्केवेंजर्स कहते हैं। वल्चर, हिनास एंड वाइल्ड डॉग, ये सारे क्या है, ये सारे एस्केवेंजर्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, एस्केवेंजर्स। अब आगे हम लोग जान लेते हैं, आगे हम लोगों को पढ़ना है टीथ ऑफ एनिमल्स। अब जानवरों के टीथ कैसे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, यानी कि उनके खाने के अनुसार सभी जानवरों के अलग अलग प्रकार के टीथ यानी कि दांत होते हैं। अब पहला जान लेते हैं क्या, एनिमल्स दैट ईट प्लांट। अब वह जानवर जो क्या करता है, प्लांट खाता है, तो उनके पास कैसे टीथ होते हैं, तो उनके पास जो टीथ होते हैं वो ब्रॉड फ्रंट टीथ होते हैं, यानी कि चौले होते हैं, आगे वाले जो होते हैं हिस्से वो क्या होते हैं, चौले होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जिसको क्या यूज होता है, टू हेल्प देम बाइट ऑफ ग्रास एंड प्लांट्स। वो क्या, उसका यूज क्या है, तो आगे वाले जो चौले टीथ होते हैं उनसे वो लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को काटने में, ठीक है ना, प्लांट्स को काटने में या ग्रास को काटने में वो मदद करता है, ठीक है। लेकिन और दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, और अंदर में जो है यानी कि पीछे में जो है उसके बहुत मजबूत दांत होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं और ग्राइंड करते हैं अपने फूड। यानी कि पहले क्या करेंगे, आगे वाले दांत से उस प्लांट को काटेंगे
और फिर अंदर ले जाके अंदर वाले दांत से उसको च्युइंग करेंगे यानी कि चबाएंगे अच्छे से, ओके, पीस देंगे उसको, और फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, पेट में चला जाता है, ओके। तो आपको समझ में आ गया कि जो जानवर क्या है, हर्बीवोरस है, यानी कि जो प्लांट खाते हैं उनके कैसे होते हैं टीथ, तो ब्रॉड फ्रंट टीथ यानी फ्रंट में जो होते हैं चौड़े टीथ होते हैं, और बैक में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, मजबूत टीथ होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जान लेते हैं क्या, एनिमल्स दैट ईट फ्लेश, अब वह जानवर जो क्या खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि उनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑल कार्निवोरस हैव शार्प कर्व एंड पॉइंटेड टीथ टू टियर द फ्लेश ऑफ देयर प्रे, यानी कि जितने भी कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी जो मांस खाने वाले होते हैं, उन सबके दांत क्या होते हैं, आगे से नुकीले होते हैं, ठीक है ना, नुकीले होते हैं, और क्या होते हैं, पॉइंटेड यानी नुकीला होता है, ठीक है ना, एकदम तेज धार वाला होता है, ठीक है, जिससे वो क्या करता है, जो फ्लेश है यानी कि जो मांस है उनको चीर के वो खाता है, चीर के खाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना आप टाइगर का क्या है, ये दांत, ये दांत, ये क्या है, बहुत नुकीला है, वो क्या करेगा, वो एक बार में अपने क्या करेगा, फ्लेश को जो है यानी कि दूसरे जानवर को पकड़ेगा और एकदम कस के चबा के खा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द स्ट्रॉन्ग ग्रेनिटिक टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ हेल्प्स देम टू चिंग द फूड, और इनके भी क्या होते हैं, पीछे वाले हिस्से में ग्राइंडिंग टीथ होते हैं यानी कि मजबूत टीथ होते हैं, दांत होते हैं, जिससे वो लोग क्या करते हैं, जो फ्लेश है उसको जब चबाएं तो क्या होगा, अंदर वाले से आगे वाले से क्या करते हैं, वो उसको चीरते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, चीरते हैं, और चीर के फिर मुंह के अंदर ले जाते हैं और अंदर वाले दांत से उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, ओके। तो हम लोग जान गए कि एनिमल्स जो होते हैं वो उनके खाने के अनुसार उनका जो टीथ होता है वो कैसा होता है, उनके बारे में हम लोग जान गए। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, क्या पढ़ेंगे, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, ऑफ एनिमल की कैसे वो लोग खाते हैं उनके बारे में जानेंगे। हाउ डू एलिफेंट्स यूज देयर ट्रंक टू गेट फूड, अब हाथी जो है वो अपना ट्रंक जो है यानी कि सूंड जो है कैसे यूज करते हैं ताकि वो खाना ले सके, तो क्या करता है हाथी, तो उसके पास लॉन्ग ट्रंक होते हैं जिससे क्या करता है, ब्रांचेस को ब्रेक करता है और लीव्स को तोड़ता है, उसके बाद क्या करता है, अपने माउथ में वो रख लेता है, ठीक है, यानी कि जो उसके जो ट्रंक होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, वो उसको पेड़ के ब्रांचेस को लीव्स को तोड़ के और अपने माउथ में रखते हैं और उसको फिर खाते हैं। दे ऑल्सो यूज देयर ट्रंक टू ड्रिंक वाटर, और वो अपना ट्रंक ही का इस्तेमाल करके पानी पीते हैं, यानी उनका जो सूर होता है उसी से वो लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, ओके। व्हाट डू, तो हाथी के बारे में हम लोग जानेंगे, अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डू अ ह्यूज एलिफेंट एंड अ टीनी बटरफ्लाई हैव इन कॉमन, अब जो बड़े एलिफेंट है उसके पास, जो छोटे बटरफ्लाई है उनके पास कॉमन क्या होता है, तो उन दोनों के पास कॉमन क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एलिफेंट यूज देयर ट्रंक टू सक वाटर, ठीक है ना, यानी एलिफेंट अपना सूर इस्तेमाल करता है ताकि पानी को अपने सूर से अंदर पी सके, ठीक है। बटरफ्लाइज सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर विद देयर स्पेशल माउथ पार्ट्स अ थिन लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, तो बटरफ्लाई के बाद पास भी क्या होता है, एक पतला सा लंबा ट्यूब टाइप का होता है, पाइप टाइप का होता है, जिससे क्या करता है, फ्लावर्स का नेक्टर, जो फ्लावर का रस होता है वो क्या करता है, बटरफ्लाई चूस के और क्या करता है, अपना पेट भरता है। दे यूज द ट्यूब टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, अपना ट्यूब जो है उसके पास जो लॉन्ग पतले और थिन पतले जो ट्यूब है, लंबे पतले ट्यूब है, जिससे वो क्या करता है, फ्लावर्स के नेक्टर को यानी कि रस को चूस के वो क्या करता है, पीता है और वो जिंदा रहता है, ठीक है। काउज एंड बफेलोस कट एंड बाइट द ग्रास लीव्स एंड प्लांट्स विद देयर शार्प फ्रंट टीथ एंड स्वॉलोइड, अब काउ और बफेलो पे आ जाते हैं, तो काउ क्या करता है, काउ और बफेलो जो वो क्या करता है कि प्लांट्स के जो पत्ते हैं प्लांट्स हैं उनको क्या करता है, तोड़ के यानी कि अपने मुंह से क्या करता है, उसको तोड़ के और फिर खाते हैं, ठीक है, तोड़ के फिर उसको मुंह में रख के चबाते हैं, पहले उसको तोड़ लेते हैं और सोलो इट मीन्स उसको डायरेक्ट निगल लेते हैं, उसको तोड़ के मुंह में रख के डायरेक्ट निगल लेते हैं। लेटर दे गेट द फूड बैक विथ स्टोमैक इन टू देयर माउथ एंड च्यूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, दिस इज कॉल्ड च्यूइंग,
यानी कि ये क्या करते हैं, पहले उस पत्ते को तोड़ ली, अपने माउथ में रख ली और निगल गए। फिर आराम से वो बैठ जाते हैं एक जगह, और उसके बाद क्या करते हैं, वही जो निगले थे उनको निकाल के अपने मुंह में ले आते हैं, और मुंह में लाने के बाद वो क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे चबाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं, चबाते हैं। ओके, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं च्यूइंग द कर्ड। ठीक है, यानी कि वह एनिमल जो क्या करता है, वो अपने खाने को पहले तोड़ के निगल लेता है, उसके बाद फिर आराम से बैठ के और फिर उसको निकाल के अपने माउथ में ला के और उसको क्या करता है, चबाता है, उसी को क्या बोलते हैं, च्यूइंग द कर्ड। सच प्लांट ईटर्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इसी एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स, यानी च्यूइंग द कर्ड, यानी कि जो एनिमल्स च्यूइंग द कर्ड का काम करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। मीन्स व्हाट, मीन्स खाने को लिए, पहले क्या कर लिए, तोड़ के निगल लिए, और निगलने के बाद फिर आराम से बैठ गए और उसके बाद फिर उसको क्या किए, माउथ में ला के चबाते रहे, इसी एनिमल्स को हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हैव यू एवर वॉच्ड रैबिट एंड स्क्विरल ईट? ओके, क्या आप लोगों ने देखा कि रैबिट जो है वो और स्क्विरल जो है वो कैसे खाते हैं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। रैबिट एंड स्क्विरल्स ईट हार्ड फूड सच एज कैरोट, गुआवा, सीड्स एंड नट्स। तो रैबिट क्या क्या खाते हैं, कैरोट खाते हैं, गुआवा खाते हैं, सीड्स खाते हैं, नट्स, ये लोग जो हार्ड फूड होते हैं, यानी जो कठोर फूड होते हैं, ठीक है, फल होते हैं, ये सब सारी चीजें खाते हैं। ओके, दे निबल एट देयर फूड ब्रेकिंग इट इंटू टीनी पीसेस बिफोर च्यूइंग। तो वो क्या करते हैं, पहले उसको लेके और वो क्या करते हैं, उसको कतरते हैं, ठीक है, छोटे छोटे भाग में छोटा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, छोटे छोटे भाग में जैसे ही बट जाता है उसके बाद उसको खा जाते हैं, उसके बाद खाते हैं। ठीक है, यानी रैबिट क्या करता है, रैबिट जैसे कैरोट को लिया, तो कैरोट को क्या करेगा, छोटे छोटे भागों में पहले बांटेगा। ओके, छोटे छोटे भाग में बांट के, टीनी पीसेस में बांट के उसका क्या करेगा, उसको च्यूइंग करेगा, उसको चबाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्नोइंग द फूड, इसी को क्या बोलते हैं, ग्नोइंग द फूड। ग्नोइंग द फूड का क्या मतलब हो गया, मीन्स दांत से काटना, उसको छोटे छोटे भाग में बांटना। ओके, दांत से काट के छोटे छोटे भाग में बांटना, उसके बाद उसको खा लेना, इसी को क्या कहते हैं, ग्नोइंग द फूड। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रोडियंस, तो इसी एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, रोडियंस। मैंने बताया रूमिनेंट्स किसे कहते हैं, जो खाने को निगल जाते हैं फिर बाद में उसको माउथ में निकाल के उसके बाद फिर चबाते हैं, और रोडियंट्स किसे कहते हैं, जो क्या करते हैं, वो खाने को छोटे छोटे भागों में पहले बांटते हैं। ठीक है, छोटे छोटे भागों में कुतरते हैं उसको, और उसके बाद क्या करते हैं, वो खाते हैं, उसी को, उसी जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, रोडियंट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हाउ डू एनिमल्स ईट विदाउट टीथ। अब कुछ जानवर जो होते हैं जिनके पास टीथ नहीं होते, तो वो कैसे खाते हैं, लाइक एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव च्यूइंग टीथ, यानी उसके पास क्या होता है, चबाने के लिए कोई टीथ नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, दे सॉलो देयर फूड होल, वो क्या करते हैं, एक बार में ही निगल लेते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, चूहे को क्या कर लिए स्नेक ने, क्या किया, एक बार में ही निगल लिया, उसके पास दांत नहीं होते हैं, तो ये क्या करता है, निगल लेता है, उसके बाद वो उसके पेट में जाते हैं और धीरे धीरे वो पचना चालू हो जाता है, क्या हो जाता है, पचना चालू हो जाता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास स्विमिंग टीथ नहीं है, चबाने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए वो डायरेक्ट निगल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कैट्स हैव पाउंस दैट हेल्प देम टू चेस माइस सॉफ्टली एंड साइलेंटली। कैट के पास क्या होता है, पांव, छोटे छोटे पांव, तो उससे क्या करते हैं, वो धीरे धीरे माउस को क्या करते हैं, बिना हल्ला किए हुए धीरे धीरे माउस को, चूहे को पकड़ लेते हैं। ठीक है, देखे होगे आप लोग, अ लीच सक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ इट्स सकर्स। ठीक है, जो लीच होते हैं, छोटे कीड़े होते हैं, सॉरी कीड़े नहीं, छोटे जो चेड़े टाइप के जो होते हैं, ठीक है ना, उन वो क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल के बॉडी पर बैठ के और क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं उनका ब्लड। ठीक है, क्या कर लेते हैं, उनका ब्लड सक कर लेते हैं, जो जोंक होते हैं, लीच मींस व्हाट, जोंक, जो जोंक होते हैं वो क्या कर लेते हैं, दूसरे जानवरों पर बैठ के या फिर हमारे ही पैर के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे उससे ब्लड क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, यानी चूस लेते हैं ब्लड को। ओके, जैसे मॉस्क्यूटो, फिर हो गया मॉस्क्यूटो हैव लॉन्ग नीडल लाइक सकिंग ट्यूब, जैसे मैंने बताया था क्या बटरफ्लाई के बारे में, उसके पास भी एक लॉन्ग नीडल होते हैं, वैसे ही मॉस्क्यूटो के पास भी लॉन्ग नीडल होते हैं, जिससे क्या करता है, वो
उसको जो खाने हैं, जिसको हम लोग लॉन्ग नीडल जो होता है, जो लॉन्ग नीडल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबोशिस, और उसी से क्या होता है, उसी से वो अपना खाना यानी कि जो ब्लड है उसको चूस के दूसरे के शरीर से लेके अपने शरीर में इंटर करता है, फिर वो जिंदा रहता है। ठीक है। सम एनिमल्स लाइक फॉग, लिजर्ड एंड सेमेरियन हैव स्टिकी टंग दैट रिमेंस रोल्ड इनसाइड द माउथ। तो कुछ जानवर जो होते हैं उनके जो टंग होते हैं यानी जीव, वो क्या होते हैं, उनके माउथ के अंदर रोल होते हैं यानी कि मुड़े हुए होते हैं। ठीक है। उनसे वो क्या करते हैं, खाना पकड़ते हैं। When it sees an insect, it flips the tongue out and catches the insects. ये क्या करते हैं, जैसे ही वो देखते हैं किसको, इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे कीड़े को देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना टंग जो है माउथ से बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, वो टंग उनका बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, माउथ में क्या रहता है, रोल रहता है, यानी कि माउथ में अंदर में एकदम मुड़ा हुआ रहता है। वो जैसे ही किसी भी इंसेक्ट्स को यानी कीड़े को देखते तो वो क्या करते हैं, अपना टंग को बाहर निकालते हैं ताकि उसे पकड़ सके, और उसे पकड़ के फिर क्या कर लेते हैं, अपने जीभ में उसको रख के और फिर माउथ में ले आते हैं। ठीक है। Then it rolls the tongue back inside the mouth with the insect still inside. तो वो क्या कर लेता है, अपने टंग को रोल कर लेता है और उसके टंग में क्या रहता है, इंसेक्ट रहता है, फिर माउथ में लाकर उसको खा जाता है। They eat small insects such as mosquito and flies. और उसे उस छोटे छोटे इंसेक्ट्स को जैसे मॉस्किटो फ्लाइज को वो खा जाता है। आप देख रहे हैं ये क्या है, फ्रॉग है, फ्रॉग का ये टंग है। ठीक है, और यहाँ पे ये कीड़ा है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, अपने टंग को बाहर निकाला, अब ये क्या करेगा, इसके अंदर रोल आउट करेगा यानी कि इसको ये पकड़ के और अपने टंग में ले आएगा। ओके, और ला के फिर इसको रोल आउट करेगा, रोल आउट करके फिर माउथ में ले जाएगा, माउथ में ले जाने के बाद फिर वो खा जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं, सॉरी कुछ जानवर जो होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं ताकि अपना खाना खा सके। चलिए अब कुछ जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल और प्लांट के बीच में, दोनों के बीच में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो जान लेते हैं कि क्या है। ओके, एनिमल्स कैन मूव, एनिमल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, दोनों लिविंग थिंग है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं। एनिमल्स कैन मूव, एनिमल्स मूव कर सकता है, प्लांट्स कैन नॉट मूव, लेकिन प्लांट मूव नहीं कर सकता है। एनिमल्स cannot make their own food, animals क्या कर सकता है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, but plants can make their own food, plant क्या कर सकता है, plant अपना खाना खुद बना सकता है। animals breathe in air through nose, lungs, gills or air holes, तो जानवर जो है किससे सांस लेते हैं, तो नाक से सांस लेते हैं, lungs है होते हैं उनके पास उससे, या gills होते हैं उससे, या फिर air holes जो होते हैं उससे वो लोग सांस लेते हैं, lungs से हम लोग, नाक से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, गिल्स, फिश जो है गिल्स से सांस लेती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो होते हैं, बट प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स ब्रीथ इन एयर थ्रू ए स्मॉल होल्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द लीव्स। तो प्लांट कैसे लेता है सांस, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, उसी से जो क्या पे होता है, लीव्स पे होता है, पत्तिया पे होता है, उसी को हम लोग बोलते, उसी से वो सांस लेता है। ओके, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील अबाउट द थिंग्स, एनिमल्स के पास क्या होते हैं, समझने की शक्ति होती है, यानी कोई चीजों को समझना वो एनिमल्स कर सकता है। अब प्लांट्स में जान लेते हैं, तो थ्रू प्लांट्स, सॉरी थ्रू प्लांट्स हैव नो सेंस थॉट, प्लांट्स हैव नो सेंस ऑर्गन्स बट दे कैन सेंस लाइट। ओके, लेकिन क्या होता है, प्लांट के पास सेंस ऑर्गन नहीं होता, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो लाइट को महसूस कर सकते हैं। किसको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ लाइट को वो महसूस कर सकते हैं। ओके, लेकिन उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ प्लांट के पास, जैसे टच मी नॉट प्लांट हो गया, उनके पास क्या होते हैं, अगर आप उनको छुओ तो क्या हो सकता है, वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जिनके क्या कर सकते हैं, वो अदर सेंस ऑर्गन, अदर सेंस कर सकते हैं, अदर चीजों को सेंस कर सकते हैं। ओके, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस और बाय लेइंग। ओके, तो एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे दूसरे अपने जैसे को जन्म देते हैं, तो क्या करते हैं, वो बर्थ देते हैं यानी कि अपने जैसे को दूसरे को डायरेक्ट जन्म देते हैं, या फिर अंडे देने के बाद वो जन्म देते हैं। ठीक है, प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, स्टेम, रूट एंड लीव्स। प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करता है, प्लांट्स नए प्लांट कैसे आते हैं, तो सीड के द्वारा आते हैं, स्टेम के द्वारा, रूट के द्वारा और लीव्स के द्वारा नए प्लांट आते हैं। ओके, तो ये था क्या डिफरेंस था एनिमल और प्लांट के बीच। अब जान लेते हैं फूड चेन क्या होता है। तो क्या कह रहे हैं, फूड चेन
ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो जितने भी जानवर है वो क्या होते हैं, प्लांट्स पे जो है यानी कि पेड़ पौधे पे डिपेंड रहते हैं, या तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट वो प्लांट खाते हो, इनडायरेक्टली मतलब क्या कि वो प्लांट नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी वो डिपेंड है। कैसे? तो जैसे ये आप देख रहे हिरन, ओके, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम बोले ये डियर है, ओके, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, डिपेंड होगा प्लांट पे, क्योंकि ये क्या खाएगा, घास का है। बट हम टाइगर की बात करें तो वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, किस पे, प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंड है। क्यों? क्योंकि ये जो डियर है वो क्या खाएगा, प्लांट खाएगा, और टाइगर जो वो इसको खाएगा, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से वो किसको खा रहा है, प्लांट को खा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, डिपेंड है प्लांट पे कोई भी जानवर, ओके। हर्बीवोरस डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली फ्रॉम फॉर द फूड। हर्बीवोरस जो होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, ओके। कार्निवोरस जो होते हैं हर्बीवोरस को खाते हैं। इफ देयर आर नो प्लांट्स देयर वुड बी नो हर्बीवोरस। अगर प्लांट्स ना हो तो हर्बीवोरस नहीं होगा, और हर्बीवोरस क्या है, हर्बीवोरस अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कार्निवोरस नहीं होगा। सो कार्निवोरस ऑल्सो डिपेंड डायरेक्टली ऑन इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो इसीलिए कार्निवोरस भी जो है वो प्लांट पे डिपेंड है खाने के लिए, क्योंकि अगर कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाता है तो हर्बीवोरस क्या खाता है, हर्बीवोरस प्लांट खाता है। अगर प्लांट ना हो तो हर्बीवोरस नहीं होगा, हर्बीवोरस नहीं होगा तो कार्निवोरस नहीं होगा। इसलिए जितने भी जानवर है वो सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड होते हैं प्लांट पे, ओके। A food chain is a chain that show how living things depend on one another for food. तो food chain यही बताता है कि कैसे living things जो हैं, ठीक है, सजीव वस्तु, सजीव चीजें जो हैं, वो एक दूसरे पर कैसे depend है खाने के लिए, ठीक है, एक दूसरे पर खाने के लिए कैसे depend है, यही कौन बताता है, food chain बताता है, okay? तो हम क्या कह सकते हैं, अ चेन, व्हाट इज फूड चेन, तो अ चेन दैट शो हाउ लिविंग थिंग डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड इज कॉल्ड फूड चेन, ओके। तो फूड चेन का यही डेफिनेशन हो गया। इट ऑलवेज बीइंग विथ अ प्लांट, ओके, इट ऑलवेज बिगिंस विथ अ प्लांट, यानी कि फूड चेन कोई भी स्टार्ट होगा तो कहां से स्टार्ट होगा, प्लांट से होगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट के प्लांट जो है वही क्या है, मेन सोर्स है खाने का, ओके। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं क्या है, ग्रास, ये डियर और ये टाइगर। तो टाइगर जो डियर है वो क्या खाएगा, ग्रास खाएगा, डियर ग्रास खाएगा, ओके, ये इसको खाएगा, और टाइगर जो वो डियर को खाएगा। मान लो ये प्लांट नहीं है, प्लांट ग्रास नहीं है, ठीक है, तो क्या ये जी पाएगा, डियर जी पाएगा, अगर ग्रास जो है वो अगर नहीं है तो डियर जी पाएगा, ये भी नहीं जीएगा, जी पाएगा ये भी मर जाएगा, और ये मर जाएगा तो क्या ये जी पाएगा, ये भी नहीं जी पाएगा, ये भी मर जाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है हम लोगों का, प्लांट, अगर प्लांट है तो डियर भी है, और डियर है तो टाइगर भी है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट। अब यहां कह रहा है प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जानवरों को और उसका केयर कर सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल इन अवर वर्ल्ड, तो हमारे पूरे संसार में बहुत सारे प्रकार के क्या है, जानवर है। सो सम आर वाइल्ड एंड लिव इन फॉरेस्ट वाइल, सम आर डोमेस्टिक। कुछ क्या होते हैं वाइल्ड एनिमल, जो फॉरेस्ट में रहते हैं जंगली जानवर, और कुछ क्या होते हैं पालतू यानी डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। दे हेल्प एंड लिव विथ अस, डोमेस्टिक एनिमल क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं प्लस हमारे साथ रहते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स एंड टेक केयर ऑफ देम एंड देयर एनवायरमेंटल्स। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस एनिमल्स को, जानवर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उनके जो एनवायरमेंट है यानी कि वो जहाँ रहते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ओके। अब आ जाते हैं केयर ऑफ एनिमल्स, कैसे केयर कर सकते हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, तो जो जानवर जो रहते हैं जंगल में उनको हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ओके। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर होम्स बाय कटिंग ट्रीज, और हम लोगों को पेड़ काट के उनको क्या घर उनका बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि पेड़ पे क्या रहता है, पेड़ पे ही बहुत सारे
घोंसले बने होते हैं, पेड़ पे बहुत सारे का घर होता है, बहुत सारे जानवरों का घर होता है, तो उनको काट के हम लोगों को उनका घर नहीं छीनना चाहिए. ओके, वी मस्ट नॉट हर्ट देम एज वेरी फ्यू एनिमल्स आर लेफ्ट. तो हम लोगों को उसको मारना नहीं चाहिए, हम लोगों को उसको मारना नहीं चाहिए, ताकि क्योंकि वो एनिमल्स जो है, जानवर बहुत कम है हमारे चारों तरफ, वो कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, यानी खत्म हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल. ये था वाइल्ड एनिमल का केयर. अब आते हैं डोमेस्टिक एनिमल का कैसे केयर रख सकते हैं हम लोग. पालतू जानवर डोमेस्टिक एनिमल मीन्स पालतू जानवर डोमेस्टिक एनिमल आर यूजफुल टू अस. डोमेस्टिक एनिमल हम लोगों के लिए यूजफुल है. जैसे आप जानते हैं कुत्ता को हम लोग पालते हैं क्यों, ताकि कोई घर में चोर ना आए. ओके, वी मेक देम वर्क फॉर अस एंड हेल्प अस इन मेनी वेज. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको काम लेते हैं, ठीक है, और वो हम लोगों को हेल्प करता है बहुत सारे चीजों में. ओके, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम एंड गिव देम होलसम फूड टू ईट एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे वो लोग हम लोगों को मदद करते हैं, तो हम लोगों को उनको खाना देना चाहिए. उनको क्या देना चाहिए, खाना देना चाहिए, उनको क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा पानी देना चाहिए पीने के लिए, ठीक है, ताकि और उनको भी साफ रखना चाहिए, ताकि वो लोग भी साफ रहे और हमारी भी मदद अच्छे से कर सके. देयर शेल्टर शुड बी क्लीन. उनका जो घर है उनको भी क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि वो गंदे में रहेंगे तो वो बहुत बीमारियां लाएंगे, और बीमारियां लाएंगे तो हम भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए उनका भी घर क्लीन होना चाहिए, रखना चाहिए हम लोगों को. ओके, व्हेन दे फॉल सिक वी शुड टेक देम टू द वेटनरी डॉक्टर. अगर वो बीमार हो जाते हैं तो हम लोगों को उनको कहाँ ले जाना चाहिए, वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. वेटनरी डॉक्टर मतलब क्या होता है, जानवरों के डॉक्टर के पास हम लोगों को उसको ले जाना चाहिए. अब वेटनरी डॉक्टर ट्रीट सिक एनिमल्स. तो वेटनरी डॉक्टर क्या करता है, तो वेटनरी डॉक्टर जो है वो जो बीमार जानवर है उनको क्या करता है, ट्रीट करता है, उनको देखभाल करता है, उनका मदद करता है. ओके,